Hello everyone, I am your host Pradeep यादव from Agrians Academy देहरादून and I'm back with another video. आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स और मैसेजेस के बाद मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया ताकि आपको इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे. ठीक है, अब देखो इस लेक्चर में आपको करना क्या है. सबसे पहले पुराने पेपर का एनालाइज करो कि उसमें इन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं. अगर हम उनका एनालाइज करते हैं तो वहां से मुझे ये पता चला कि यार इस टॉपिक से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं. साथ में जो आपका दूसरा एक्ट है 2011 का, उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आपके पास हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे दोनों टॉपिक से मिला के. अब क्वेश्चन का लेवल क्या है? क्वेश्चन का लेवल सिंपल सा लेवल है, उसमें कोई डीप स्टडी नहीं पूछी गई है. उसमें सिंपल से पूछा गया है कि कौन से सेक्शन में या कौन से एक्ट में, कौन से ईयर में आपका कौन सी चीज लागू की गई है. सिंपल से क्लियरली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए, कोई घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं आया वहां से. ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले आप में से किसी स्टूडेंट का कॉल आया जिसने ये कहा कि सर इस टॉपिक में टोटल 130 पेजेस हैं तो क्या हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा. एक बात जान लो, एक तो आपके पास टाइम कम है, हार्डली आपके पास 15 दिन रह गए हैं. 15 दिन में अगर आप पूरा टाइम इस टॉपिक को दोगे तो आपको पास बाकी टॉपिक करने का टाइम नहीं बचेगा. तो इन 15 दिन में हमको कुछ ऐसी स्टडी करनी ताकि आपके बाकी टॉपिक भी साथ साथ चलते रहे और आपके नए टॉपिक्स भी कवर अप होते रहें. ठीक है ना, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी और पुराने पेपर का एनालाइज करना बहुत जरूरी है. तो चलिए स्टार्ट करें इस टॉपिक को. इस लेक्चर में बस आपको इतना बताऊंगा कि आप कहाँ पे कितना फोकस करेंगे और कहाँ पे आपका मेन ध्यान रहेगा एग्जाम को प्रिपेयर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को जिसका नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है, है ना, क्योंकि जब हम बात करें 2006 के एक्ट के लिए तो उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे इसके हमने नींव रखी और कैसे कैसे के प्रोसीजर को शुरू करने के लिए जाना बहुत जरूरी है. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है 1937 कमेटी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हेल्थ, एक कमेटी बनाई गई इस एक्ट को लागू करने के लिए. 1955, अब 1955 में आपने ये पढ़ा होगा कि 1955 में आपका फूड प्रोडक्ट ऑर्डर लागू किया गया. ठीक है, FPO शुरू किया गया. लेकिन FPO शुरू किस बेस पे हुआ? वो आपका हुआ फूड एडल्ट्रेशन बिल के बेस के ऊपर. तो 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन बिल पास हुआ जिसके बेस के ऊपर जो आपका फूड प्रोडक्ट ऑर्डर बनाया गया. 1998 सब्जेक्ट ग्रुप ऑन फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज, पहली बार इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को इंक्लूड किया गया. 2004 पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यू एम्फेसाइज्ड कन्वर्ज ऑल फूड लॉज सिंगल रजिस्टर्ड बॉडी, यहाँ पे बात की पेस्टिसाइड रेजिड्यू के बारे में. अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड. कई बार जब हम करंट अफेयर की स्टडी करते हैं तो करंट अफेयर की स्टडी के दौरान हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो या जिनका डिस्क्रिप्शन या जिनका लिंक आपको कहीं ना कहीं पीछे रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है. ठीक है ना, अब एग्जामिनर क्या करता है, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए वो डायरेक्टली करंट अफेयर नहीं पूछता, वो उसका लिंक जो जिससे रिलेटेड हो उसके बारे में पूछ लेगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2015 में एक न्यूज आई थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के थ्रू जिसमें यह कहा गया था कि जो फूड सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज की जा रही है ड्यू टू हैवी यूज ऑफ पेस्टिसाइड. अब ये तो करंट अफेयर टॉपिक हो गया कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने ये रिपोर्ट रिलीज की है. अब एग्जाम में क्या पूछ लेंगे कि जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू है उसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ या उसका लिंक कहाँ पे दिया हुआ या उसके पीछे सबसे पहले जो कमेटी बनी थी कमेटी कब बनाई गई थी. ठीक है ना, तो इस तरह से आप स्टडी करेंगे ना तो आपको दोनों टॉपिक कवर अप होंगे, आपके करंट अफेयर भी कवर अप हो जाएंगे और आपका जो टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड वो टॉपिक कवर अप हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा कमेटी लागू की 2004 में. 2005 स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन एग्रीकल्चर, अगेन लॉ कमीशन वाज आल्सो आस्क्ड टू गिव इट्स व्यू इन द ईयर 2005. और 2006 में आपके पास बिल पास हुआ जिसकी वजह से आपका FSSA लागू किया गया सन 2006 में. ठीक है, तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन इस चीज के बारे में. नेक्स्ट वी हैव लॉज ऑन फूड एंड अलाइड एक्टिविटीज या अलाइड आइटम्स, फूड से रिलेटेड जितने भी हैं आइटम्स हैं उसमें कौन कौन से लॉज आपके सामने हैं. तो टोटल वी हैव 7 लॉज. सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर 1947, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, FPO 1955, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल या डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 विच आर रिपील्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ FSS एक्ट 2006, जिसको रिपील किया गया FSS 2006 के बाद. और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ फूड इज रिपील्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एफएसएस एक्ट 2006। तो आपको पता होना चाहिए, वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 2000 सॉरी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992। प्रोविजंस ऑफ एक्ट 2006, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें यह बताया हुआ है कि फूड की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फूड की प्रोसेसिंग तक हम कौन कौन सी चीजें फॉलो करेंगे, और एक साइंस बेस के ऊपर, एक साइंटिफिक चीज के ऊपर बेस्ड हम एक फूड को कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड टू रेगुलेट देयर, एक साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड हम किस तरह फूड को मेंटेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट, availability of safe food for human consumption and last में दिया हुआ है matters connected with, और इससे जितने भी matter connected है जो food की processing करने में काम आते हैं, food को maintain करने काम आते हैं, उसकी health hygiene maintain करने काम आते हैं, हम उनको कैसे इसके अंदर cover up करेंगे, तो ये इसके basic objectives हैं। And this act come into effect from 24th August 2006. Some important terms. सबसे पहले है adulterant. ये है आपका important topic इसके अंदर. इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है, एग्जाम में पूछ लेंगे कि द डिस्क्रिप्शन या द डेफिनेशन ऑफ एडल्ट्रेंट वाज गिवन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए एडल्ट्रेंट का डेफिनेशन है सेक्शन 3A में दी गई है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, मैं आपको धीरे धीरे शो करता हूँ इसके अंदर, ताकि आपको यार ये क्लियर हो जाए कि कौन से सेक्शन में किस चीज को डिस्क्राइब किया हुआ प्रॉपर तरीके से और कौन से सेक्शन में किसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, एडल्ट्रेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, फूड इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, फूड एडिटिव डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो इस तरीके से। एडल्ट्रेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो है सेक्शन 3A में। नेक्स्ट वी हैव कॉन्टेमिनेंट सेक्शन 3G, विच मीन्स प्रेजेंट इन फूड एज रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैनुफैक्चर, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। कॉन्टेमिनेशन आपको पता है किसी चीज का खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना। अब वो खराब कब हो सकती है, किसी भी कंडीशन में, स्टोरेज में, प्रोडक्शन में, मैनुफैक्चर में, तो पूरा किसी में कौन से सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 3G के अंदर। फूड सेक्शन 3J एक्सटेंसिवली डिफाइंड, इसका मतलब है कि सेक्शन 3J में बहुत सारे डेफिनेशन है फूड के बारे में, तो इसलिए उसको बोला एक्सटेंसिवली डिफाइंड। फूड एडिटिव सेक्शन 3K, टिपिकली इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। अब फूड एडिटिव की PDF ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ कि फूड एडिटिव क्या होते हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने अवेलेबल है PDF के अंदर, तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे अवेलेबल है उसका पूरा लिंक किसके अंदर है, सेक्शन 3K के अंदर है। फूड बिजनेस अंडर सेक्शन 3N फॉर प्रॉफिट और नॉट। फूड बिजनेस ऑपरेटर सेक्शन 3O इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है उन सबको आप एक ही रूल के अंदर ले आते हैं, यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होता है, अलग अलग तरीके से फूड को ऑपरेट करना, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, इंडिविजुअल, टीम, ग्रुप, ठीक है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर तरीके से। तो जो भी फूड के बिजनेस को ऑपरेट करते हैं उन सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन सेक्शन 3O के अंदर दिया हुआ है। फूड सेफ्टी सेक्शन 3Q एक्सेप्टेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सब स्टैंडर्ड सेक्शन 3ZX डज नॉट मीट स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, कि ऐसा फूड स्टैंडर्ड जो एक स्पेसिफिक टर्म को सेटिस्फाई नहीं करता उसको दिया हुआ सेक्शन 3ZX के अंदर। और लास्ट हमारे पास है अनसेफ फूड डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 3ZZ विच इज इंजूरियस टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने अवेलेबल है, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इनकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन प्रॉपर तरीके से की गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो उसका कोई यूज नहीं, क्योंकि यार एग्जाम में इसे डीप कभी पूछा गया है नहीं एग्जाम के अंदर, जो मैंने एनालाइज के पुराने पेपर्स में तो उसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे, तो आप लोग इतना करेंगे तो सफिशियंट होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि टाइम कम है और इस कम टाइम में आपको बाकी टॉपिक्स का भी रिविजन करना है, तो इसलिए इतना सफिशियंट है एग्जाम से रिलेटेड। अब आगे डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो सबसे पहले सेक्शन 4 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ FSSAI। सेक्शन 4 के अंदर सबसे पहले जो एस्टेब्लिश किया गया वो आपका यही था FSSAI का। सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश FSSAI हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली। फूड अथॉरिटी में एस्टेब्लिश इट्स ऑफिसेज एट एनी अदर प्लेसेस इन इंडिया। तो हेडक्वार्टर के अलावा टोटल इसके 5 प्लेसेस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ ईस्ट रीजन। एक चेयरपर्सन होगा जिसमें 22 मेंबर्स होंगे और 22 मेंबर्स में से 1/3 ऑफ वुमेन होना जरूरी है अंडर सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 5 में कहा गया है कि जितने भी मेंबर्स होंगे, टोटल 22 मेंबर्स है, 22 मेंबर का सेक्शन 5 में कहा गया है कि जितने भी आपके मेंबर्स होंगे, यानी कि 22 मेंबर्स हैं, 22 मेंबर्स का 1/3 यानी कि 7 या 8 आपके पास वुमेन्स होना जरूरी है, तो वो है सेक्शन 5 के अंडर में। एक चेयरपर्सन का टाइम पीरियड 3 साल का होगा और एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज पर द सेक्शन 7। CEO विल सी डे टू डे एडिटिव्स ऑफ फूड अथॉरिटी। तो CEO जो है वो डेली डेली एक्टिविटी देख सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 9।
नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, रेगुलेट करना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोसेसिंग करना, इंस्पेक्शन करना, स्टोरेज के बारे में जानकारी पता करना, ये सारे के फंक्शन होते हैं। सो टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड एज टू एंश्योर सेफ एंड होलसम फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी। एंड नेक्स्ट वी हैव इट विल प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फूड की प्रोसेसिंग करने के अलावा या फूड की मैन्युफैक्चरिंग या उसकी इंस्पेक्शन करने के अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल एडवाइस और सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है कि हमें किस तरीके से साइंस के ऊपर रिलेटेड फूड को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, उनकी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन कर सकते हैं, उसकी सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। सो फंक्शंस का डिस्क्रिप्शन है सेक्शन 16 के अंदर। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रोहिबिशन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 24। ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में है कि हम किसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, किसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, नो एडवर्टाइजमेंट शैल बी मेड ऑफ एनी फूड विच इज मिसलीडिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सेकेंड पॉइंट है, नो पर्सन शैल एंगेज हिमसेल्फ इन एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉर पर्पज ऑफ प्रमोटिंग द सेल, सप्लाई, यूज, कंजम्पशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द फूड। तो दोनों के बारे में दिया हुआ है कि एडवर्टीजमेंट किसमें की जाएगी, किसमें नहीं की जाएगी, कौन से पर्सन को इंक्लूड करेंगे, कौन से इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दिस इज द सेक्शन 24। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 26, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर। सेक्शन 27, लाइबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, पैकर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेलर्स। सेक्शन 28, फूड रिकॉल प्रोसीजर। अब फूड रिकॉल का मतलब क्या होता है? फूड रिकॉल का मतलब है एक वॉलेंट्री एक्शन विच इज टेकन बाय मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, एक वॉलेंट्री एक्शन है जो किसी मैन्युफैक्चरर के द्वारा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा लिया जाएगा, जिसके अंदर वो एक ह्यूमन हेल्थ को इल इफेक्ट प्रोवाइड करने वाली चीजों को प्रिवेंट कर सकता है। यानी कि इट्स अ वॉलेंट्री एक्शन बाय मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स दैट मे कॉज द इल इफेक्ट्स ऑन इट्स हेल्थ। उसको हम लोग बोलते हैं फूड रिकॉल। सेक्शन 29, अथॉरिटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। जो भी अथॉरिटी हमारे पास अवेलेबल है, जो भी हमारे पास अथॉरिटी है फूड से रिलेटेड, वो पीपल को अवेयर करें, लोगों को अवेयर करें इस एक्ट के थ्रू कि भाई कौन कौन से रूल्स उनको फॉलो करने चाहिए जो फूड की सेफ्टी को मेंटेन करते हैं। सेक्शन 30, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। अब ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंटमेंट द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी फॉर द स्टेट फॉर एफिशियंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट सेक्शन 31, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस। नो फूड बिजनेस एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस। जो भी जिसको लाइसेंस नहीं दिया गया वो कोई फूड का बिजनेस नहीं कर सकते, वो इलीगल है। नॉट एप्लीकेबल टू पैटी मैन्युफैक्चरर बट दे विल रजिस्टर देमसेल्फ एज ए प्रेस्क्राइब्ड। और यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हो, पैटी मैन्युफैक्चरर। पैटी मैन्युफैक्चरर क्या होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है ना? ये आपके आपके पास बोल रहा हूँ मैं, ताकि आप थोड़ा सर्च करें इसके बारे में, आपकी थोड़ी नॉलेज गेन होगी। तो पैटी मैन्युफैक्चरर के बारे में पढ़िए, काफी सारे डेफिनेशन है इसके बारे में, कोई भी एक आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, बदले में आपको इस पूरे टॉपिक का पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो पैटी मैन्युफैक्चरर कौन होता है वो आप लोग मुझे बताएंगे। सेक्शन 35, नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग। 36, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। 37, फूड सेफ्टी ऑफिसर। एंड सेक्शन 39, लाइबिलिटी ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। सो ये अलग आपके पास सेक्शंस हैं। उसके बाद है सेक्शन 40, सेक्शन 42 और सेक्शन 51। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं। लास्ट में हमारे पास आता है सेक्शन 76, इसमें की जाती है अपील। तो बीच के जो सेक्शन आपके पास रह गए वो मेरे पीडीएफ में आपको दिए हैं, आप लोग वहां से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है? मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पर दिया कि आप लोग किस तरह से की स्टडी करेंगे। इनसे ज्यादा आप ना पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है? बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो आप करंट अफेयर आप कवर कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या फूड सेफ्टी से रिलेटेड, उस करंट अफेयर का लिंक आपको पहले ढूंढना होगा कि कोई उसमें रूल में तो नहीं है। अगर रूल में, रूल के अंदर है, तो उसको उससे कनेक्ट कीजिए, फिर उसको आप पूरा कंपाइल करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? अब सेक्शन 76 में जब अपील होती है, तो अपील होने के बाद केस चलता है, तो केस का फ्लो किस तरीके से होगा वो है आपके सामने, एक फ्लो चार्ट आपके सामने है कि अपील के बाद जो केस हुआ उस केस को फ्लो कैसे करते हैं, एडजुडिकेशन से लेके हाई कोर्ट तक पूरा प्रोसेस आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है? ये था आपका आज के टॉपिक के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही है, शेयर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पीडीएफ के लिए मुझे इस पर नंबर मैसेज कीजिए, आपको आप पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी।